So friends, and continuing the same series of taking up two questions each, where we try to understand and brainstorm that how could have been the structure of answer could have been more appropriate. And the goal is to learn. In fact, it has been a great learning for me also to find and to create a systematic approach out of it. And definitely it works in a continuous fashion. That is why it is very much a kind of a beneficial exercise, one should say. And as I repeat in every discussion, that the goal is to learn and to understand and to go for more natural, more corrective, and more appropriate measures so that one is able to score decent marks as far as writing is concerned, which is linked with thinking and which is also linked with a kind of a consistent practice following a routine and a systematic approach. So let's see what kind of question is there and what answer we can see. कोशिश है कि उसको हम समझें और फॉलो करें. क्रिप्टो करेंसी पेंट्स अ लुक्रेटिव एवेन्यू टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ डिजिटल करेंसी एट द सेम टाइम रेजेस कंसर्न फॉर मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. एनालाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग आउट वेरियस ऑप्शन फॉर रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी हाईलाइट द मोस्ट डिजायरेबल रेगुलेटरी ऑप्शन फॉर इंडिया. सो देर आर एलिमेंट्स देर आर थ्री एलिमेंट्स इन द क्वेश्चन विच इज फर्स्ट टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल्सो हाउ इट इज लिंक्ड विद डिजिटल करेंसी हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट और मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको क्या इम्पैक्ट करेगा और साथ में क्या ऑप्शन है कैसे क्रिप्टो करेंसी को आप रेगुलेट कर सकते हो और किस तरह से इंडिया को करना चाहिए. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डायनेमिक क्वेश्चन विच इज डिमांडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम. इक्वाडोर हैज क्रिप्टो करेंसी चलिए आगे एज अ लीगल टेंडर इट प्रेजेंट्स लिक्विडिटी एवेन्यू एज डिजिटल करेंसी बाय फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन्फ्लेशन हेजिंग टूल ईज ऑफ एक्सेस ऑफ सर्विसेज. हाउएवर मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कंसर्न मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड फॉर एग्जाम्पल एफ टी एस स्कैम डिजिटल डिवाइड इन डेवलपिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज बाई पासिंग रेवेन्यू बैंक रिजर्व बैंक नॉट रेगुलेशन नॉट हेल्दी प्रेसिडेंट हाउ क्रिप्टो करेंसी डिराइव्स मॉनेटरी वैल्यूज एंड क्वेश्चन इट इज नॉट इज इट सस्टेनेबल के आगे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था. बाकी सारा सही है बहुत अच्छे हैं क्लैरिटी के साथ है बहुत सिंपल है बहुत फास्ट है. आई थिंक ऑन ट्रैक है. दस इंडिया इज नॉट मेड इट इलीगल बट टैक्स 25% फॉर मेकिंग सिटीजन फ्रॉम इट इंस्टीट्यूट सी बी डी सी That is being focused by RBI for regulation. Other option for regulation of cryptocurrency are cryptocurrency exchange regulation, tax disincentivization like Indian government, separate legislation and autonomy like NPCI for blockchain. Thus, most desirable regulatory option for India is adapting blockchain by Reserve Bank in rolling out CBDC, token currency for PDS, MGNREGA payment for effectivity. So, अगर आप आंसर की बात करते हो तो बहुत ही ब्रॉडली बिना नॉनसेंस के एकदम आंसर के ऊपर फोकस किया तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं. एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट जब बात इन्हीं में से कुछ एक्सटेंशन निकल सकते थे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है कैसे रेवेन्यू को डिस्टॉर्ट कर सकता है कैसे हार्ड अर्न मनी को वो गायब कर सकता है कैसे दो तीन एलिमेंट्स आ सकते थे. लेकिन वो अगर नहीं भी हैं वो एक बोनस मार्क्स हैं तो एवरेज मार्क्स इस आंसर में आएगा बिकॉज आंसर इज स्पीकिंग टू द पॉइंट एंड नो नॉनसेंस. दैट्स व्हाट वी कैन से. चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी हैज ओपन अप न्यू विस्टाज अपॉर्चुनिटीज फॉर द नेशन टू इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन एंड क्रिएट न्यू मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स. इन दिस कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाइंग द विजिबिलिटी फैक्टर्स सजेस्ट स्ट्रेटजीज टू लीवरेज ग्लोबल क्वेस्ट फॉर सप्लाई चेन रेजिलियंस टू इमर्ज एज अ ग्लोबल एक्सपोर्ट हब. तो ये एक बहुत ही ऑनगोइंग मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइना की जो है स्ट्रैटेजी इट इम्पैक्ट्स नॉट ओनली चाइना बट द होल वर्ल्ड ग्लोबल वैल्यू चेन और न्यू मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की बात ही है. तो इसमें अगर आपको ज़्यादा नहीं भी पता है तो फिर भी आप एक एवरेज अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के साथ लिखने की कोशिश कर सकते हो अगर आपको आइडिया है कि वट हैज बीन हैपनिंग इन चाइना एंड वट द रोल इट इज प्लेइंग. सो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी यूज बाई बिग एमएनसी यू प्लस यूएसए डिजिग्नेटेड टू डाइवर्स सप्लाई चेन. चाइना प्लस वन ने बता दिया सेमीकंडक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स हैवी इंजीनियरिंग है टेक्सटाइल्स है. इंडिया ने सक्सेसफुली अपॉर्चुनिटी को यूज किया उन्होंने इनिबिट किया फैक्टर्स जो होने चाहिए जिनको रोकने से हम आगे बढ़ सकते हैं. इफेक्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट ईज इन लैंड एक्विजिशन लेबर एंड पब्लिक यूटिलाइजेशन क्रिएटिंग गिफ्ट एस सी जेड टैक्स रिफॉर्म. चलिए आगे मेजर कंट्रीज दैट जीएसटी एंड अब पीएलआई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था. प्रोडक्ट जो लिंक इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसको ज्यादा एक्सपैंड करना चाहिए था आई होप आगे किया होगा. लेबर अपस्किलिंग इंडिया वर्क प्रोडक्टिविटी एक बात है. मोर स्ट्रैटेजीज टू लीवरेज दिस मूवमेंट आर डेडिकेटेड टू इंडस्ट्री कॉरिडोर दिल्ली अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर एमओयूज विद इंडिया एंड इंडियन आई कांट रीड इट व्हाट इज दिस फॉरेन यूनिवर्सिटीज भाई. ये आपका बस चले तो मार्जिन में लिख दो यार टेढ़े चले जा रहे हो टेढ़े चले जा रहे हो सीधा नहीं लिखा जाता क्या एमओयू बिटवीन आईटीज एंड यूनिवर्सिटी तो सीधा लिखोगे जगह भी बचेगी. सो दैट इज वाई इट ऑल्सो मैटर्स.
ठीक है सेकंड आंसर भी, लेकिन सेकंड आंसर ज्यादा मतलब फिर ठीक है, डिफेंसिव अप्रोच है दोनों आंसर्स में, लेकिन डिफेंसिव भी बहुत ही अप्रोप्रिएट है, कम से कम वो स्ट्रक्चरल अप्रोच से बात कर रहे हैं, उनमें ऑर्गेनिक एलिमेंट ज्यादा आ सकता है, आई होप वो नेक्स्ट आंसर्स में विजिबल होगा। चलिए आगे, क्रिप्टो करेंसी एक लुक्रेटिव एवेन्यू है, क्रिप्टो करेंसी द करेंसी ऑफ फ्यूचर दैट हैज सीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिवार्डिंग सम पनिशिंग फ्यू। बहुत अच्छा एलिमेंट है, बहुत कीवर्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पूरा वर्किंग बता दिया, न्यू डेटा कैसे काम करता है पूरा बहुत अच्छे से समझाया, और ब्लॉक इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल नोड्स एंड ब्लॉकचेन नेटवर्क, ईच नोड अप्रूव्स और डिनाई द न्यू ब्लॉक ऐड टू द नेटवर्क इफ अप्रूव परमानेंटली। सो डिसेंट्रलाइज वर्किंग ऑफ नेटवर्क है, डेटा सेफ और सिक्योर रहता है, कंसर्न्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कंसर्न्स हैं, दोनों बहुत ही अच्छे से, यानी पहले वाला जो आंसर था उससे ज्यादा इनरिच्ड हो गया जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऑप्शंस फॉर रेगुलेशन में आपने वर्ल्ड लेवल पे बता दिया, कॉमन रेगुलेटरी बॉडी लाइक FATF या IMF की तरह बन सकता है, और एग्रीमेंट भी है, कॉमन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं G20 OECD के, इंडिया जो है क्रिप्टोज को इनिविटेबल मतलब आप कह सकते हैं कि यूसेज तो इनिविटेबल है, कंप्लीट बैन जो डिजायरेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। RBI ने क्या बोला ये लिख दिया, रेगुलेशन की आपने बात की, CERTN की बात हुई, बजट 2023 में 1% TDS लगा दिया एक्सीडिंग 50,000, 30% इनकम टैक्स भी है, एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन रिक्वायर्ड है, डिजायर फॉर अ लॉ इन सिंक विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एथिकल यूसेज। तो आई थिंक बहुत ही क्लैरिटी के साथ पहले वाले आंसर की तरह ही दूसरा आंसर ज्यादा इनरिच्ड है, उसके अंदर ज्यादा फैक्ट्स भी हैं, और वो आंसर को एक ब्रॉड व्यू से दिखाई देने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक इट इज बेटर रिटर्न, बेटर मतलब एफर्ट है पहले वाले आंसर से जब हम इसको मुकाबला करते हैं, ज्यादा इनरिच्ड है, ज्यादा ऑर्गेनिक। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी इज कंपनी शिफ्टिंग देयर बेसिस टू अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम चाइना टू डाइवर्सिफाई द रिस्क, डिजायरेबल इन्वेस्टिंग डेस्टिनेशन इंडिया, ये ठीक है बिल्कुल, जैसा पहला हमने आंसर पढ़ा है भी वैसे ही है, और इसमें बता रहे हैं कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी लेकिन क्यों आई, ये यहाँ पर इलस्ट्रेटेड है, पहले आंसर में हमने ऐसा नहीं देखा था। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया की अगर आप बात करें तो ठीक है, की एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, और सेमीकंडक्टर मिशन की बात हो रही है, और FDI की बात हो रही है, मेक इन इंडिया पॉलिसी, जो अभी हमने प्रोडक्शन लिंक स्कीम को जो मैंने कहा था कि उसको इंसेंटिवाइज जो स्कीम है उसको ज्यादा ब्रॉड लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिखा हुआ है, मिडिल इनकम ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, ये एक एडिशनल पॉइंट है, और इतना परसेंट हमें GDP चाहिए, RBI की स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कहती है, तो बहुत ही मतलब ब्रॉड लेने की कोशिश है, ब्रॉड आ भी रहा है। कंसर्न्स हैं कॉर्पोरेट टैक्स, एंजल टैक्स, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बाय इंडिया, टू मेनी कंप्लायंस बर्डन भी है, बिल्कुल वहां पे जो हमने अलग अलग लिखा था वो एलिमेंट टू नंबर पॉइंट में है, एक साथ आ गए। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन भी इज अ वेरी वंडरफुल एंड फ्यूचरिस्टिक पॉइंट, रेजिलियंट इंडियन इकोनॉमी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये आपने करके इसको कंक्लूड कर दिया। तो ये आंसर भी पहले वाले आंसर की अगर हम बात करें, और अगर आंसर की डिमांड की बात करें, तो इट इज ट्राइंग टू एड्रेस द कंसर्न्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे। चलिए, क्रिप्टो करेंसी बीइंग इंट्रिंसिक फोकसिंग अपॉन डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, लेकिन जब हम इस आंसर में क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो वो डिजिटल करेंसी कैसे नहीं होगा, ये मतलब की बात तो आई है, लेकिन वो पहले आंसर में थोड़ा ज्यादा वैसा था, सेकंड में इतना अच्छे से मतलब ऐसे करके नहीं था, उसमें दूसरे एलिमेंट्स जो हमने देखे कि वो आंसर को इनरिच कर रहे हैं वो ज्यादा विजिबल थे। तो बॉर्डरलेस टेक्नोलॉजी दैट मेक्स डिफिकल्ट इनफोर्स रेगुलेशन इंटरनेशनली डाइवर्स अप्रोच, चलो आगे चलिए, मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल ठीक बात है, रेगुलेशन मस्ट बी देयर इन क्रिप्टो करेंसी फॉर सोशल ऑर्डर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सम ऑफ देम आर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ट्रैकर, ओके वेरी गुड, इट्स अ गुड एग्जाम्पल, एंड फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देयर कैन बी रजिस्ट्रेशन फॉर क्रिप्टो एसेट, बिल्कुल ठीक बात है, रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड IMF कैन बी कंसिडर, आई थिंक गुड पॉइंट्स, ट्राइंग टू पिच इन द राइट डायरेक्शन, रेगुलेशन ऑप्शन फॉर इंडिया, कैंपेन से नहीं होगा, जो हमने सेकंड और फर्स्ट आंसर्स में जो हमने ऑप्शंस पढ़े वो लेके आने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इन चीजों को फोकस कर पाओगे। तो कोशिश है, आंसर ट्रैक पे आ रहा है, पूरा आंसर नहीं है, पहले और दूसरे को जब भी हम देखेंगे और थर्ड आंसर को देखेंगे तो हमें पता लगेगा थर्ड में कुछ एलिमेंट मिसिंग है, लेकिन थर्ड भी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आगे आने की कोशिश कर रहा है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, चलिए आगे, वो डोर ओपन करता है इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए ताकि डिपेंडेंट ना रहे चाइना पर सब। स्ट्रैटेजी पेव्स द वे फॉर ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, रेजिंग FPI एंड FDI ऑफ द कंट्री, द स्ट्रैटेजी बेनिफिट्स डिफरेंट सेक्टर्स, टेक्सटाइल मेटल बिल्कुल सही बात है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल मेगा फैक्ट्री इन इंडिया बिल्कुल सही बात है, ओके साइट इन कर्नाटका, दिस फैक्ट्री स्ट्रैटेजी रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग पैंडेमिक एपिडेमिक, बहुत ही प्रैक्टिकली लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है, G20 की बात भी कर दी है, सेटिंग अप रोड मैप फॉर इंडिया एंड टू बिकम वाइटल इन इकॉनमी बाई 2030। चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए,
आगे चलिए, क्रिप्टो करेंसी सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी द वॉलेट बेस्ड करेंसी पेमेंट मैकेनिज्म लॉन्च बाय टू सर्व द लीगल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू क्रिप्टो करेंसी। बात तो ठीक है, क्रिप्टो दोनों बता दिया क्या है, बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कंसर्न्स बताई, अनरेगुलेटेड एंटिटी है, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, रिस्क इन क्रेडिट मार्केट भी है। और उसके बाद जो है इन्वेस्टर के बेस ऑफ फ्रॉम इंडस्ट्रीज अदर क्रेडिट डेमोनेटेड डोमिनेंट अक्रॉस इन क्रिप्टो। नेगेटिव इफेक्ट इज आई थिंक रिप्रेजेंटेड इन राइट वे, बैंकरप्सी है, क्रेडिट सप्लाई है, ग्लोबल सप्लाई चेन है। इन कीपिंग द व्यू क्रिप्टोकरेंसी आर मेड इलीगल टेंडर, ठीक बात है। बिल 2021 सेल्फ सर्टिफिकेशन 30% टैक्स, तो वही है सेकेंड आंसर में जैसे अच्छे से बताया गया, वहां भी यहाँ दिखाई दे रहा है। फोर्थ आंसर में भी टैक्सिंग क्रिप्टो एज ए गिफ्ट परसेंटेज बाय जीडीएस इट्स मोस्ट डिजायरेबल रेगुलेटरी ऑप्शन फॉर इंडिया शुड बी फास्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिप्टो बिल G20 इंप्लीमेंटेशन एज क्रिप्टो रोड मैप यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन मोर रोबस्ट मैनर रीड फॉर एथिकल एंटी क्रिप्टो एपरेटस। आई थिंक अच्छी कोशिश की है, आंसर में आगे स्कोर आने के बिल्कुल चांसेस हैं और इट विल बी सीन ऑन द पॉजिटिव साइड एज फार एज आंसर आर कंसर्न। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी डाइवर्सिफाई करने की, प्रोडक्शन सप्लाई की है, अच्छा बताया पहले पैराग्राफ में। ग्लोबल डिमांड और राइजिंग कॉस्ट ऑफ आपने बताया कि क्या हो रहा है, राइज रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है और स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी की बात है। चलिए आगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है डाइवर्सिफिकेशन के ऑपरेशन को प्रमोट करने की बात करती हैं। चलिए आगे, इंडिया इज प्रेजेंटली एन अल्टरनेटिव, कैसे है इंडिया अल्टरनेटिव, सेमीकंडक्टर, शियोमी, सैमसंग फैक्टर्स जो है आपने बताया, बिल्कुल सही बात है, कंज्यूमर बेस है, स्किल लेबर है, कॉर्पोरेट एफडीआई, लॉजिस्टिक्स। इंडिया कैसे बनेगा, प्रोडक्शन पैकेज अच्छा लगा, द पॉइंट नंबर वन इज वेरी वेल रिटन, प्रोडक्शन पैकेजिंग मार्केटिंग सेल क्रिएशन ऑफ मोर एसईजेड ये बहुत अच्छा पॉइंट है, डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आई थिंक दिस आंसर इज मोर इनोवेटिव देन द फर्स्ट एंड द सेकंड, इट कैन स्कोर इन द फ्रैक्शन ऑफ कपल यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ मोर मार्क्स देन द फर्स्ट एंड द सेकंड आंसर। नाउ लेट्स सी, चलिए क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम मॉडर्न एक्सचेंज सिस्टम। ओके, नाम बता दिए क्या क्या है, डोजी कॉइन, बिटकॉइन, रिवोल्यूशनरी द पेमेंट स्पेस, दिस इज अ गुड लाइन। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी क्यों है, वेनेजुएला बताया हमने, बताया चाइना ने, चाइना का हमने बात नहीं की लेकिन उन्होंने बताया है। एडवांटेजेस हैं बहुत सिंपल, जो पहले दूसरे तीसरे चौथे सारे आंसर में मिसिंग था कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग हो जाएगी, ट्रांजेक्शन की ईज बढ़ जाएगी, डेमोक्रेटिक हो जाएगी, क्रॉस बॉर्डर यूज हो सकता है, ये चीजें नहीं है। तो सुभाष चंद्र गर्ग कमिटी की इन्होंने बात की जो हमने नहीं की, तो इसका मतलब है सेकंड आंसर में जैसे हमने क्रिप्टो चेन की वर्किंग समझाई तो हो सकता है एग्जामिनर को इम्प्रेस तो करे लेकिन हो सकता है उसके नंबर ना मिले क्योंकि वो चीज पूछी नहीं गई है, लेकिन कोशिश करना हो भी सकता है, जो पूछा गया वो तो हमें सारा बताना ही, अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताते तो इट मे गिव अस मोर मार्क्स। कंसर्न्स है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, डिक्रीज कंट्रोल ऑफ ये हमने पॉइंट बताया, इंक्रीज वॉलिटिलिटी है ये भी हमने बात बताया, रॉन्ग यूज बाई निफेरियस एलिमेंट्स ये हमने फोकस किया लेकिन इस तरीके से नहीं किया, सेंट्रल बैंक की एबिलिटी ये हम बात कर चुके हैं, ऑप्शन क्या है कंप्लीट बैन ये हमने बोला ये प्रैक्टिकल नहीं है, लॉन्चिंग ऑफ सेंट्रल बैंक करेंसी ये भी हमने बात की कि होन रिसेंटली जो क्रिप्टो करेंसी बिल है, तो यानी थर्ड जो फोर्थ आंसर था वो ज्यादा डायरेक्शन में है रादर देन दिस वन, इवन उस आंसर के एलिमेंट जो फोर्थ आंसर है उसके एलिमेंट इससे भी ज्यादा प्रोग्रेसिव है। लाइट टच रेगुलेशन ये वर्ड हमने यूज नहीं किया, इंश्योरिंग कंट्रोल इन सेंट्रल एरियाज टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल वैल्यू वेरिएबल्स ये हमने बात नहीं की, दिस इज द वे टू गो विद द पॉसिबल लॉन्च ऑफ आई थिंक गुड रिटर्न, सो ऑल आंसर्स आर कॉम्पिटेटिव। फर्स्ट आंसर वॉज सिंपल, इट वॉज ऑल्सो टॉकिंग द सेम थिंग, इट वॉज नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, सेकंड आंसर वॉज ऑल्सो नॉट बीटिंग अराउंड द बुश बट सम एक्स्ट्रा एलिमेंट और इन्फॉर्मेशन वॉज देयर एंड दैट इट मे हेल्प अस ऑल्सो समवेयर, थर्ड आंसर वॉज ट्राइंग टू बी ऑन ट्रैक, फोर्थ आंसर वॉज ऑन ट्रैक एज फार एज फर्स्ट सेकंड थर्ड इज कंसर्न, when we say first second third is concerned then the fourth answer is actually competing with the first and second in a good way, अगर बहुत सारे आंसर्स उस डायरेक्शन में होंगे तो नंबर ज्यादा आ जाएंगे, और अगर मान लो सेकंड आंसर जैसा हमने देखा वैसे ही सारे आंसर लिखेंगे तो एक्स्ट्रा एलिमेंट जो सेकंड आंसर में है बाकी आंसर्स में आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, सो दैट इज वन एलिमेंट वी कैन सी, बाकी तो कन्वेंशनल है अप्रोच, तो सब जगह मार्क्स मिल रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल नहीं है, तो वी हैव टू सी की और ज्यादा स्कोर हम कैसे कर सकते। यहाँ हमने बात की इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी की, वो हमने नहीं की थी, और उसके बाद जो है बताया एक्सपोर्ट शेयर में वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा 2 से 4% शेयर 2030 तक हो जाएगा, तो मेन हैंडल इन आवर नॉन मेन मेन हर्डल जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन की बात है जिसमें चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऐसी इस तरीके से हमने पुटअप नहीं किया। एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉ मटेरियल इन एक्सपोर्ट बास्केट की हमने बात नहीं की,
लैक ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की बात हमने नहीं की, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हमने बात की, हाई जीएसटी की बात हमने की लेकिन इस तरीके से नहीं की, और उसके बाद जो है हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट की हमने बात स्पेसिफिकली 19% को लेकर नहीं की। चलिए आगे चलिए, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी कंडीशन की हमने बात नहीं की, डब्ल्यूटीओ आईएमएफ की इस तरीके से चर्चा नहीं की, जीएम राइस की नहीं की, कॉम्प्लेक्स लेबर लॉस की बात हमने नहीं की, और हमने ईओडीबी की बात भी नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट जो बात है वो भी हमने नहीं की। तो स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें, चाइना स्ट्रैटेजी कोलाबोरेशन विद चाइना टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, तो जैसे इन्होंने और देखिए अनकन्वेंशनल बिल्कुल तरीके से बोला कि दोनों को मिलकर करना चाहिए, कोलाबोरेशन होना चाहिए, तो ऐसा गलत नहीं है। इंडिया का चाइना के साथ बहुत जगह कोलाबोरेशन है भी, तो चाइना इंडिया, चाइना का एपीआई इंडिया का मेडिसिन, तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया। यू कैन बाईपास द चाइना, अचीव सेल्फ सफिशियंसी, सप्लाई चेन रेजिलियंस आप जापान पे करिए, या खुद ग्लोबल वैल्यू चेन को आप नए तरीके से क्रिएट करिए, आत्मनिर्भर भारत, डेवलपमेंट ऑफ पीएलआई स्कीम, टेक्सटाइल ऑटोमोबाइल फूड एक्सपोर्ट, और आपने डेवलपमेंट ऑफ ब्रांड इंडिया की बात की, बहुत अच्छी बात है, और वाइड स्प्रेड कहीं नहीं, और भी ज्यादा जनरल और ब्रॉड हुआ, उस दिशा में आंसर हमारे बढ़ रहे हैं, लेकिन इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, सो यू विल ऑल्सो फील लाइक इन सम टाइम दैट आंसर इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द थिंग विच यू आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्कोर अबव एवरेज मार्क्स, दैट मीन्स एंड अ मार्क्स विच इज गोइंग टू हेल्प अस टू गेट एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल इन द मिनिमम कंडीशंस। यू कैन स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बताइए बताइए प्रवेश जी, आप क्या कहते हैं? Sir, daily learnings I'm getting from the answer writings. And apart from that, I'm working currently on the capacity development. I'm writing the answers, not an aspirant. I'm writing the answers by realizing my responsibility towards the service. And that is bringing the innovation in my answers. Thank you, sir. हिमांशी सर आई एम फोकसिंग मोर अपॉन की और इनोवेटिव आइडियाज कैसे आ सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रही हूँ. और जैसे लास्ट आंसर में बिल्कुल सिंपल ही लिखा था डायरेक्टली, तो थोड़ा सा उससे अलग लग रहा है. बाकी तो दिस इज द लाइक डायरेक्शन आई एम फोकसिंग. अच्छा सर सिंपल ही लिखना है, मेन फोकस अभी तो यही है कि बिल्कुल सिंपलिसिटी से लिखना है. कोई भी ज्यादा मतलब लैंग्वेज भी वोकैबुलरी ज्यादा वैसी नहीं आनी चाहिए, तो बिल्कुल सिंपली लिख रही है अभी फिलहाल तो. आ और आ रहा है सक्सेस. और कुछ आएगा। ओके आशिक बोड़ी से करती, चलो आई वॉज फोकसिंग ऑन सिंपल स्ट्रक्चर एंड वॉट इज क्या बीन आस्क्ड. इन विजिबल तो आपने यू आर कहा सर एबल टू डू उसमें इट, इनोवेटिव पॉइंट्स मिसिंग था, तो मैं लाऊंगा सर पहले उसके इसके बाद, ये होना चाहिए उसके बाद फिर. स्ट्रक्चर कंट्रोल में आना चाहिए, वो कभी भी करवा लो, दिन रात करवा लो, कुछ भी करवा लो, गलत नहीं हो सकता वो, ऐसा आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस उसको यस बिल्ड सर. करना पड़ेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल। सो करना, व्हाट डू यू से अबाउट दीज आंसर्स? तो जो मॉडल आंसर्स थे वो ज्यादा सिंप्लीफाइड एंड क्लियर मैसेज पोर्ट्रे कर रहे थे, एंड बाकी सबके भी आंसर्स क्लियर थे, बट लास्ट वाले में जैसे एग्जांपल्स वगैरह और भी ज्यादा इंटीग्रेटेड थे क्वेश्चन के साथ. मतलब ज्यादा वो पिन पॉइंटेड थे, ज्यादा माइक्रो थे, और वो समझ में भी आ जी रहे थे। ठीक जी है प्रेरणा, आपका क्या कहना है? सर, दी आंसर्स वर गुड बट लाइक करंटली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम कि कुछ एग्जैक्टली तो क्या. समझ, कुछ तो आ यस रहा है, सर, क्रिप्टो यस करेंसी सर. बढ़ तो किसका आंसर सबसे ज्यादा समझ में आया, पहले मॉडल आंसर को छोड़ के? यस सर, मतलब फिर भी किसके नो आंसर को आइडिया. देख, नो आइडिया। ओके नेक्स्ट टाइम कीप ऑन ट्राइंग, व्हेन वी आर यस सर, स्क्रॉलिंग तो आप बस ऐसा सोचो कि किसके आंसर को मैं ज्यादा देख के उसी बस उतने ही मोमेंट में मेन. कि... यस सर, मेन जैसे मैंने थोड़ी इलस्ट्रेशन वगैरह करी थी एज इन जो डायग्राम वगैरह फॉर्म में, तो वो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है समझने के लिए इजी, तो वो बेटर लग. प्लस आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग के सब्जेक्टिविटी कितनी ज्यादा है आंसर्स में, एंड स्टिल वो आंसर ठीक होता है जबकि वो बाकी आंसर से इतना अलग होता है. तो यस सर. इट विल कीप ऑन हैपनिंग, नो वरीज। ठीक है ओके दिव्या, व्हाट डू यू से? सर ब्रॉड थिंकिंग के साथ पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए चलना है, जनरल पॉइंट को भी कनेक्ट करना है, वो चीजें अलग से रिफ्लेक्ट होती हैं फिर. बात तो सही है,
तो ठीक है, हम इसी में वर्क करते हैं। और इकोनॉमिक्स के बाद साइंस एंड टेक होगा, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी तो पेपर इसमें आ चुकी है, मतलब इसी कुछ में एलिमेंट कुछ हमने पहले 2 में भी तो कुछ एलिमेंट्स लिए थे इनडायरेक्टली, वहाँ भी था कुछ इनडायरेक्टली था। अब जो है अब तो डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ एनवायरमेंट के साथ कुछ एलिमेंट्स आएंगे, am I right? यस सर। तो ठीक है करते हैं। और इफ एनीथिंग एल्स यू एनीबॉडी वांट्स टू शेयर समथिंग। देखिए हाँ सर, हैप्पी दिवाली सर। दिवाली तो भाई रोज ही मतलब दिवाली है अगर आप उसको करें, बट थैंक यू वेरी मच, दैट्स फाइन, अच्छी बात है। और दिवाली वही फेस्टिवल है जो आपको रिवोल्यूशनरीज तो अपने हाथ के नीचे ही मोमबत्ती रख देते थे और कसम खा लेते थे कि भाई कुछ भी हो जाए हम अपना ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते। तो आई थिंक वही दिवाली सबसे इम्पोर्टेंट है, जो दिया मन में जले, और जो दिया दिया इसलिए अर्धन दिया जो होता है दिया, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कोई लाइट, कोई आपकी शॉपिंग, कोई आपकी ग्लिज, कोई गाड़ी, कोई भी उस दिए का मुकाबला नहीं कर सकता। उस दिए में तेल डाला जाता है और वो दिए की बाती बना के जब आप उसे रखते हो तो उसे जलना होता है, और वो जो हवा आती है उसमें भी जलता है, और वो दिया धीरे धीरे चलता है, फ्लिकर करता है, वो हल्का हल्का चलता रहता है। बाकी तो आज की डेट में तो आर्टिफिशियल म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं जो बॉम्ब जैसी आवाज भी निकालते हैं। मैंने देखा तो आई वॉज लाइक, मैंने कहा ओके ये भी आ गया। तो बिल्कुल, तो दिवाली मतलब आपके लिए यही दिवाली हो सकती है कि आप सच्चाई से और अपने कर्तव्य को चले लेके, बाकी आपसे तो कोई पटाखे मांगने वाला भी नहीं है, उसमें अभी समय है। शायद आपके जब फैमिली और बच्चे आएंगे तब तक पता नहीं, यू विल शो देम पटाखा वीडियोस, पर हिंदुस्तान है ये, लॉ कुछ भी कर ले पटाखे तो चलेंगे ही। सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहे हैं कि पूरे भारत में पटाखे बैन होने चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की परंपरा रही है जो रोकोगे वही हम करेंगे, तो इसीलिए पोल्यूशन भी हटेगा लेकिन पटाखे नहीं रुकेंगे। पटाखे केरला गवर्नमेंट ने भी बोला है, केरला हाई कोर्ट को भी मान जाओ, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अगर पटाखे रखे भी हैं तो इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है, बिना पटाखे के रिलीजियन पूरा नहीं होता है, बिना पटाखे के कोई फेस्टिवल पूरा नहीं होता है। पटाखा पब्लिक गैदरिंग को लेके आता है, पटाखा सोशल और कॉम्युनल हार्मनी को बढ़ाता है, पटाखा और क्रैकर्स लोगों में जोश और लोगों में एंथुजियाज्म दिखाते हैं, तो सोचिए हमारे यहाँ पटाखे का कितना बड़ा रोल है। और सबसे खास बात, जब तक आपने खुद पटाखे नहीं चलाए तो वो मजा नहीं आता जो दूसरे के पटाखे जलते हुए देख के आता है। पटाखे तो खुद ही जला के मजा आता है, खुद का अनार जब लगता है मैंने जलाया तो अभी लगता है कि कुछ हुआ, दूसरे के पटाखे तो आकाश में सब लोग देखते रहेंगे तो फिर तो काम ही नहीं चलेगा। तो ये कल्चरल भी है, सोशल भी है, और इकोनॉमिकल तो है। हर चीज हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट मॉडल से नहीं देखी गई, संग्रह करने की जो सोच है वो प्राचीन भारत में नहीं थी और मध्यकालीन भारत में थोड़ी थी, अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि संग्रह कर लो सब कुछ, इसीलिए ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हुआ, पर संग्रह की नीति ठीक है बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं होती। तो बिल्कुल सही बात है, इट्स ये एलिमेंट आपको अपने आंसर में लेके आने चाहिए। आपको दिवाली अगर है भी तो आपको सोचना चाहिए कि मेड इन इंडिया कैंपेन की वजह से या वोकल फॉर लोकल की कैंपेन की वजह से अब आपको बाजार में लोग कहते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट नहीं है, पर कुछ कहते हैं है तो चाइना ही, लेकिन ऊपर ठप्पा इंडिया का लगा दिया गया है, तो कुछ बातें हैं। लेकिन जो भी हो, इम्पोर्ट पहले से कम हुआ है, कम से कम हिंदुस्तान के बाजारों में अब आपको चाइनीज गणेश और लक्ष्मी जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले वरना एक टाइम आ गया था जब आपको गणेश जी पिचकारी तो चाइनीज मिलती ही है होली पर या मिलती थी, लेकिन अब इंडिया का वो है तो, और लैपटॉप का तो आपको पता ही है किस प्रकार से हो रहा है। सेवन मतलब HP इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर फॉर लैपटॉप्स, मोर देन 75% लैपटॉप्स आर इम्पोर्टेड इन इंडिया, ये डेटा है, और उसमें असूस है, एसर है, लेनोवो है, HP तो है ही, तो उसका सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग दैट यू नो यू कैन ब्रिंग द पार्ट्स एंड असेंबल इट ओवर हियर एंड इट इज नॉट डायरेक्टली स्टॉपिंग इट, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द टॉपिक्स क्या हो रहा है। एंड व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज दैट द DGFT दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज ऑब्जर्विंग वेरी केयरफुली द इम्पोर्ट, देन यू मस्ट बी प्राउड ऑफ इट।
that people, the bureaucracy, administration is working round the clock and they are trying to bring the best for the people of India. And that must be the approach for your working and your motivation also. So thank you very much. Wish you all the best and we'll get back with the next session soon.